114,000 वार्ड सचिवों की मांग लगातार जारी है और दो सप्ताह का धरना प्रदर्शन और लाठीचार्ज आप लोगों को याद होगा। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं वार्ड सचिव के आंदोलन को कल जो होने वाला है, महाआंदोलन कहा जा रहा है, वह कैसे होगा, क्या होगा, ये तमाम बातें हम जानेंगे और कितनी बातें सम्राट चौधरी तक इनकी बातें पहुँच पा रही है वो तमाम बातें भी हम अभी इनसे सुनेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम आयुष राजा। क्या कहना चाहेंगे वार्ड सचिव के मुद्दों को लेकर, तमाम चीज़ें आप बता रहे थे। क्या बताएंगे, एक तरफ सरकार आम सभा वार्ड सभा का रोक लगा दी है और मुख्यमंत्री रोक लगाते हैं और पंचायती राज मंत्री से आदेश होता कि आम सभा वार्ड सभा करिए, सुनते नहीं है आप लोगों की मांगे, बातें क्या बलगलाने के काम किया जा रहा है। अब बता नहीं ये बात के तो मंत्री जी से पूछना चाहिए कि बिहार में वार्ड सभा आम सभा नहीं हो रहा है तो फिर सम्राट चौधरी जी बातों को क्यों कहते हैं कि आम सभा वार्ड सभा करना है। मुख्यमंत्री जी जब मना कर दिए हैं तो इनको तो मना हो जाना चाहिए, लेकिन इनका पंचायती राज विभाग में IAS रंजीत जी हैं, उनको जरूरी है कि वार्ड सभा आम सभा करके वार्ड सचिव को चयन करके हमें पहुंचाने का काम करें। और कल जो कुछ भी करने वाले हैं कहाँ करेंगे? कल सचिवालय। कितनी संख्या में रहेंगे आप लोग? इसकी कहना मुश्किल है कि हज़ार में आएंगे कि लाख में आएंगे। जितना BJP में आए थे उससे भी ज़्यादा? उससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसमें तो अकस्मात नहीं पता था लोगों को, लेकिन इस बार जो 27 तारीख को धरना हुआ था उसमें सभी जान गए हैं, पूरे बिहार के आदमी, हर एक कोना में आवाज़ चला जा चुका है कि वार्ड सचिव को लाठियां चलाया गया, पानी का टैंकलेरर चलाया गया, कैनर चलाया गया है, आंसू गैस छोड़ा गया है, बहुत सी बातें पूरे बिहार में चल गया था। तो इस बार और जागरूक है लोग और हम लोग जगाने का काम किया, हक हक मजदूरी के लिए भी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसी तैयारी है आप लोग, फिर लाठी चार्ज होगा तो फिर से एकदम तैयार हैं लाठी खाने के लिए? वो तो अगले बार भी लाठी खाए, इस बार भी खाएंगे लाठी, क्या दिक्कत है। जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक मनाने का काम करेंगे, पटना के सड़कों पर हम उतरने का काम करेंगे। मांगों को लेकर बड़ा असमंजस वाली स्थिति है कि मांगे ये 4.5 साल का, मतलब आप लोगों को क्या वेतन चाहिए और क्या ये इस पर थोड़ा सा। क्या वेतन चाहिए तो निर्धारित सरकार न करेगी, काम करवाई वो है तो वो ही निर्धारित न करेगी। बार बार आश्वासन देते हैं जनता के सामने कि हमारे वार्ड सचिव ऐसा काम करवाया, नली गली काम करवाया, नल जल काम करवाया, बाबाई लूट रहे हैं पूरे बिहार में पटना में भारत में बाबाई लूट रहे हैं कि वार्ड सचिवों का देन है कि घर घर हर घर नली गया, हर घर पानी गया, बाबाई लूट रहा है। इका मिला 5 साल काम के, क्या मिला? पटना के सड़कों पर देखने के लिए मिलते, भटकते रहते हैं इधर उधर, क्या मिला? जो रोजी रोटी था वो भी छीन लिए। मंत्री जी से बात हुई है? मंत्री जी से बात होते थे तो वो बोलते हैं PA बोल रहे हैं, क्या बोले हम आपको, उनकी बातों को सुनकर हैरान लगेगा आपको। मंत्री जी बातें नहीं करते हैं? बात तो करवे करते हैं, बीजेपी के कार्यालय बीजेपी से बात करते हैं और वार्ड सचिव के नाम पर फोने काट देते हैं, खाली कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में मतलब बात करेंगे, उनका है प्रोजेक्ट वही जानेंगे। तो आपको भाई डिपार्टमेंट मिला है तो आप ना बताइएगा, उनके पास चिट्ठी आप भेजिएगा ना। ये साल भर से बातें, साल डेढ़ साल से यही बात चल रहा है, 2 साल से पता ना दोनों में बनता है कि नहीं बनता है, यही इसी बातों से तो पता लगा लेंगे आप लोग कि क्या बात है। क्या बोले कि ये मुख्यमंत्री का काम है वो समझेंगे, सम्राट चौधरी का ऑफिस द्वारा का? नहीं ना, सम्राट जी खुद बोले ये बातों को, मंत्री जी खुद बोले कि उनका है वो देखेंगे, जब उनसे बात किया जाता है तो बोलते हैं कि सम्राट अपना अपना डिपार्टमेंट में वो देखेंगे। बिल्कुल सत्य बात है कि मंत्रालय से जो भी वहाँ से मुख्यमंत्री जी के आदेश से आता है फोन कि डिपार्टमेंट में ही करेगा, डिपार्टमेंट बाबू आगे कागज देगा तभी ना आगे बढ़ेगा वो, लेकिन बलगलाने का काम इनका काम सम्राट चौधरी जी का ही है, पूरा बलगला रहे हैं इधर से उधर इधर। अभी भी एक बयान आया है कि आप लोगों की बातें और मांगों को लेकर कोई सुझाव दिए हैं, कोई बातें आ रही है कि वेतन और ये अस्थायीकरण की भी बातें आ रही है? इस तरह की बातें तो हजारों बार बोल चुके हैं, उनको पता नहीं एक बात बोलने में कितना समय लग जाता है और उसको करवाने में कितना बार वो झूठ बोलेंगे तब वो बात हो जाएगा। इनसे अभी बार पूछा जाएगा फोन करके कि कितना बार आपको बोलिएगा कि मुख्यमंत्री जी के मिलने से हम कर देंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, ये बात को कई बार बोलिएगा तब काम पूरा हो जाएगा। आप लोगों की बातें और मांगे वो एकदम सुनना ही नहीं चाहते हैं ऐसा, या मानना नहीं चाहते, इग्नोर किए हुए हैं, पूरी तरह से इग्नोर किए हुए हैं। आप लोग
लोग 1 लाख की संख्या में है, फिर भी नहीं उन्हें समझा पा रहे। क्या समझाएंगे, डबल इंजन की सरकार है, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। क्या केंद्र का क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार कोरोना के गाइडलाइन पालन करवाने के लिए करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं पालन करें, उल्लंघन कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी, इनकी विभाग से पंचायती राज से उल्लंघन हो रहा है, वार्ड सभा आम सभा हो रहा है, वार्ड सचिव का चयन हो रहा है, क्या करेंगे वो? क्या लगता है कि कल के आप लोग के महाआंदोलन के बाद बातें मानेंगे सचिवालय के? नहीं मानेंगे, फिर होगा, हम छोड़ने वाले थोड़ू ना है, यही रहेंगे बिल्कुल। तेरा आप लोग यहाँ देख लिए क्या? 27 के बाद हम पटना छोड़ दिए थे, 27 के बाद हम पटना नहीं छोड़े हैं, फिर भी पटना प्रेजेंट है, देख ही रहे हैं। मतलब एकदम ठान क्या है कि आपकी मनवा लेना है ना तो भगा देना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वार्ड सचिव के जो क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम आयुष राज है। आयुष जी थे, तमाम बातें वार्ड सचिव से जुड़ी हुई है बतला रहे थे और तमाम बातें हमने जानने का प्रयास किया। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, कल वार्ड सचिव का महाआंदोलन और धरना प्रदर्शन है सचिवालय के पास, इनका दावा है कि हजारों से लेकर लाखों की संख्या में होगी, देखेंगे कि पिछले बार की तरह क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरें देखने के लिए बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स भी, तमाम राजनीतिक दाव पेच और तमाम सियासी समीकरण देखते रहेगा झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत और कैमरा संभाल रहे हैं सरजिल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, उन्हीं की वजह से यह वीडियो बना है, और धन्यवाद।